आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो क्वेश्चन मेरे पास है, उस क्वेश्चन में हमको 2 स्मॉल मैग्नेट्स दे रखे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0.108 और 0.192 एम्पेयर मीटर स्क्वायर मेरे को गिवन है। उनको ऐसे प्लेस किया गया है कि उनके एक्सेस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मेरे पास हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिपिक्ट करना चाहूँ तो ये मेरे पास मैग्नेट 1 है, ये इसका एक्सेस है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ कहीं पे मैग्नेट 2 है, मैग्नेट 2, और ये इसकी एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 30 सेंटीमीटर दूर है पहले वाले मैग्नेट से। ठीक है, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर मैं इसको लिख देता हूँ, और दूसरा मैग्नेट 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर दूर है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो मतलब दोनों का नॉर्थ पोल मेरे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास है। तो पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाएगा B1 और दूसरे वाले का ऐसा आ जाएगा B2। तो लास्ट में नेट फील्ड निकालने के लिए हम इनको स्क्वायर करके ऐड करके इनका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नेट वाला। तो अभी बात करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन की। तो B1 की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4π, और एक बार मैग्नेट के लिए मैं जानता हूं जो एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ये होता है 2m/r². ठीक है, जहां पे m इसका मैग्नेटिक मोमेंट और r इसकी डिस्टेंस है उस पॉइंट से। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे पहले वाले मैग्नेट का गिवन है 0.108, और उसका डिस्टेंस कितना है 0.3 यानी 0.09। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, म्यू नॉट अपॉन 4π को, मैं म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10^-7 होती है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है यहाँ पे 0.24 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 2.4×10^-7 आती है। तो उसको मैंने 0.24 माइक्रो टेस्ला यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली B2 मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π वैसे का वैसा, और क्योंकि ये भी मेरे पास एक्जली प्लेस्ड कर रखा है तो ये भी मेरे पास 0.192 है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0.192 है और डिस्टेंस है 0.4² यानी कि 0.16। इसको भी सॉल्व करके मेरे पास यही वैल्यू आती है यानी कि 0.24 माइक्रो टेस्ला। तो दोनों की हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए हमारे पास सेम आ रहा है। अब बात है इन दोनों वैक्टर्स को ऐड करने की। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं सिंपली यहाँ पर निकाल सकता हूँ वैक्टर एडिशन से, B1² + B2² तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.24√2 माइक्रो टेस्ला। और अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो ये मेरे पास 0.339 माइक्रो टेस्ला आ जाता है सॉल्व करके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास जो होगा वो होगा मेरे पास 0.339 माइक्रो टेस्ला। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।